हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं। अच्छा जी, अभी हम ट्रेनिंग कर रहे थे गैराज पार्किंग की। ठीक है, ये हमारे वजाहत भाई हैं, बहुत ही अच्छे टीचर हैं। आज ना इनका इंटरव्यू करते हैं। अच्छा वजाहत भाई, बाइक के बारे में आप क्योंकि मुझसे ज़्यादा अच्छा जानते हैं, क्योंकि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ बाइक के बारे में, मुझे बताएं बाइक का किस चीज़ का एग्ज़ाम होता है पहले? बस जो है ना, वो थ्योरी टेस्ट के बाद जो है सबसे पहले ये जिसको जैसे गाड़ियों का पार्किंग का टेस्ट। जी जी, हमारा तो है पहले गैराज है, पैरेलल पार्किंग है, टी टाइप गैराज और ब्रिज है। एक तो जिग जैग है। जी जी, दूसरा है एक। अच्छा एक जैसे। अच्छा ये एक ही टाइम होता है या ये वो अलग है, ये अलग है? नहीं नहीं, एक ही टाइम में स्टार्ट होगा। अच्छा, मतलब वो साइड से आप इधर कैमरा। जी जी, स्टार्ट होगा। जी जी, आपने जिग जैग करते हुए जाना है। अच्छा, इसके बीच में से? हाँ जी। ठीक है, के अंदर दो बार घुमाना है। एट कैसे घुमाना है? जैसे वो लड़का घुमा रहा है ना, यानी यहाँ जैसे वो लड़का गया है, हाँ। जहाँ से घूमा है वो फिर वापस इधर आके फिर उधर जाना है उसने? हाँ, फिर वापस उसमें जाना है, दो बार घूम के फिर दोबारा से आना है इसी में। अच्छा, फिर जिगजैग करना है। अच्छा, अगर इन केस कोई मेरे एक चीज टच नहीं करना है इसको। जी जी, और वो जो एट है उसकी लाइन से आउट नहीं होना आपने। आपका फ्रंट टायर यानी एट के ऊपर, वो लाइन के ऊपर रहना चाहिए, रहना चाहिए, एट से बाहर नहीं जाना। अच्छा, ये चीज है, ये टेस्ट होता है इसका। अच्छा, मेन चीज है ये, बस फुट टच नहीं करना। अच्छा, कौन टच नहीं करनी, और लाइन से बाहर नहीं, यानी नीचे जमीन के से आपका पाँव नहीं लगना चाहिए। सही सही सही। अच्छा चले, ये हम इसकी। अच्छा, फीस कितनी है सेम डेट की? नॉर्मल डेट की है, 100 दिरहम मरूर की फीस है, 20 दिरहम मंदूर लेते हैं। जी जी, वो सर्विस चार्जेस जो होते हैं। ठीक है ठीक है, 120 दिरहम इसके नॉर्मल के हैं। ठीक है, अर्जेंट करेंगे तो 300 एक्स्ट्रा जाते हैं, यानी वही 420 हो गया। और इसमें वीआईपी वाला सिस्टम भी कोई है? 630 दिरहम लगते हैं। अच्छा, वीआईपी मतलब कि वो 5 दिन 7। हाँ हाँ, वो आप जो करवा के देते हैं। ठीक है, और इसमें ये पूछना था कि वीआईपी में और कितनी क्लासेस मस्ट हैं जो मरूर की तरफ से हैं, जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से हैं, और अर्जेंट अर्जेंट की कितनी हैं जो कि हमें लाजिम करनी, जो मरूर की तरफ से ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से हैं, और नॉर्मल में कितनी है, प्लीज़ ये बताइएगा। इसमें वो नॉर्मल में भी अगर बंदा चला सकता है जो, जी जी, जो चला सकता है उसके लिए 5 दिन होती हैं। जी जी, 5 दिन, यानी आपने रेकमेंड करना है। जी वही है, अगर कोई बंदा नहीं चला सकता तो उसके लिए ज़्यादा होती है। जी जी, बेहतर यही होता है कि क्लास करके जाने से अच्छा। जी जी, फेल करने से अच्छा है कि बंदा क्लास करके अगर एक दिन ज्यादा करके चला जाता है तो उसके लिए बहुत बेहतर है। जी जी, आप तो उस्ताद हो, आप तो हमसे बेहतर। नहीं नहीं, वो आपका ये काम है ना, आप मुझसे ज्यादा बेहतर यार समझते हो, हम तो आपके शागिर्द हैं इसमें तो कोई बात। अच्छा चलें जी, मैं अभी और भी वजाहत भाई के साथ सेशन करेंगे, उम्मीद है आपको रोड पे भी इंशाल्लाह इनसे थोड़ा इंटरव्यू लेंगे, और भी उस्तादों से इंटरव्यू लेते हैं जो ये सब मुझसे सीनियर ही हैं, मैं ये समझता हूँ, मैं खुद इनसे सीखता हूँ। तो और इंशाल्लाह जो भी मज़ीद सवालात होंगे मुझे कॉमेंट्स में बताइए क्या क्या क्वेश्चन हैं, तो इंशाल्लाह हम इनसे पूछेंगे। ठीक है जी, मैं इनका नंबर डाल देता हूँ, जिस किसी को भी बाइक के लिए चाहिए तो इनसे रابطہ कर सकता है।